सदगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम पर क्यों धमक पड़ी 150 पुलिस अफसरों की बटालियन, आपको पूरी कहानी बताते हैं। 150 पुलिस अधिकारियों की एक बटालियन ने मंगलवार को 1 अक्टूबर को थोंडामुथुर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान शुरू किया। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगी थी, उसके बाद यह एक्शन लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान में 3 DSP भी शामिल थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान में कैदियों की गहन जांच और फाउंडेशन के कमरों की तलाशी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस टीम का नेतृत्व कोयम्बटूर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी ने किया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए एशियो के केंद्र ने कहा कि जो कुछ हो रहा था वो केवल एक जांच थी। फाउंडेशन की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि अदालत के आदेश के मुताबिक SP सहित पुलिस सामान्य जांच के लिए ईशा योग केंद्र में आई है। वो निवासियों और स्वयं सेवकों से पूछताछ कर रहे हैं, उनके जीवन शैली को समझ रहे हैं कि वो कैसे आते हैं और कैसे रहते हैं आदि। अदालत ने रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोयम्बटूर ग्रामीण पुलिस को जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। डॉक्टर एस कामराज ने दावा किया था कि उनकी दो बेटियों गीता कामराज और लता कामराज को कोयम्बटूर स्थित फाउंडेशन में बंदी बनाकर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें साधु बना रहा है और उनके परिवारों से उनका संपर्क सीमित कर रहा है। अदालत ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक धर्मगुरु जग्गी वासुदेव के जीवन में स्पष्ट विरोधाभासों पर सवाल उठाया। जस्टिस SM सुब्रमण्यम और V शिवगमन ने पूछा कि सदगुरु जैसा कि जग्गी अपने अनुयायियों के बीच जाने जाते हैं, जिनकी अपनी बेटी विवाहित है और अच्छी तरह से बसी हुई है, अन्य युवतियों को अपने सिर मुंडवाने, सांसारिक जीवन का त्याग करने और अपने योग केंद्रों में सन्यासी की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब कामराज की याचिका में कहा गया कि उनकी दो बेटियों को कोयम्बटूर के वेलियांगरी के तलहटी में स्थित संगठन के योग केंद्र में उनकी इच्छा के खिलाफ रखा गया है, तो अदालत में मौजूद दोनों महिलाओं ने कहा कि वो अपनी इच्छा से वहाँ रह रही हैं और उन्होंने किसी भी तरह की मजबूरी या हिरासत से इनकार कर दिया। हालांकि कामराज की बेटियों ने जोर देकर कहा कि ईशा में उनका रहना स्वैच्छिक था, लेकिन जस्टिस सुब्रमण्यम और शिवगमन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे।